गदरपुर के निकटवर्ती गांव रतनपुरा में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय पद्मश्री आचार्य बाल इंदु प्रकाश की तरफ से बनाए गए पेनक्रियास आयुर्वेदिक अस्पताल में आचार्य से मिलने पहुंचे। इस मौके पर किशोर ने कहा कि मानव जाति की सेवा कर रहे आचार्य बाल इंदु प्रकाश ने गदरपुर के दूरस्थ स्थान पर कैंसर के इलाज का आयुर्वेदिक अस्पताल खोला, जो कि सराहनीय है, लेकिन राज्य सरकार से अपेक्षित सहयोग मिल पाने की वजह से यहाँ पर मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क की सही व्यवस्था नहीं, न ही बिजली और पानी उपलब्ध हो पाता है। बात तो ये है कि पद्मश्री ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने इस धरती को जो है अपना कार्य क्षेत्र चुना है, नहीं तो उनको कहीं पर भी किसी तरह की कोई परेशानी थोड़ी थी। वो हस्तिनापुर में रहते थे, हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ कितना दूर है, दिल्ली कितना दूर है, यूपी उद्योग कितना दूर है, और वहाँ तो उनको और भी जो है उनके यश और कीर्ति में कोई कमी हुई है, लेकिन एक व्यक्ति में आत्मसंतुष्टि और मानवता की सेवा की भावना हो। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक में उस समय हड़कंप मच गया जब दो सगे भाइयों ने आर्थिक तंगी की वजह से फांसी लगा ली। परिवार वालों की माने तो पास में ही रहने वाले एक व्यापारी से लेन देन का कुछ मामला चल रहा था और वो व्यापारी लगातार उनको परेशान और प्रताड़ित कर रहा था, जिसकी वजह से तंग आकर इन दोनों सगे भाइयों ने फांसी लगा ली। बीवी को उठा के ले जाएंगे, ये यहाँ पे चार दुकान छोड़ के दुकान है सिटी की। अब मुझे नहीं पता क्या कितना हिसाब था क्या था उनका, मगर वो माफ़ी मांगते थे कि हम दे देंगे पैसा, टाइम दे दो, मगर नहीं दिया उन लोगों ने। वो रोज बोलते थे फांसी लगा ले इन लोगों को। रेवाड़ी में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक 39,030 सैंपल लिए, जिनमें से 3,198 लोग कोविड पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 2,750 लोग कोविड संक्रमण से ठीक होकर घर लौट चुके हैं और अब तक 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं जिले में अभी भी कोरोना के 428 केस एक्टिव हैं। वहीं रेवाड़ी में अब मॉलिक्यूलर लैब भी शुरू हो गई है, जिससे कोरोना के मरीजों की जांच और रिपोर्ट जल्द ही मिलने लगी है। प्रशासन लोगों को लगातार जागरूक भी कर रहा है। अमृतसर में पिंगलवाड़ा के सामने दिनदहाड़े लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि पेट्रोल पंप का मुलाजिम पेमेंट जमा करवाने के लिए बैंक ले जा रहा था। इसी बीच लुटेरों ने हथियारों के दम पर रास्ते में ही पैसे छीन लिए और फरार हो गया। पेट्रोल पंप मालिक के मुताबिक लाखों की नकदी लेकर लुटेरे वहां से फरार हो गए। पेट्रोल पंप के मालिक का कहना है कि उसी चौक पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल यहां गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में लुटेरे इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे देने में कामयाब रहे। पेट्रोल पंप है जी, एसआर दा इत्थे बस स्टैंड दे लागे दोपहरां तो बंदा कैश जमा करवाउण वास्ते बैंक दे जा रहा सीगा। पहला दो मुंडे घर ला के इतने गड्डी के पिछे बैठे सन, उन्होंने मुंडे को दातर मारने शुरू करते, जाते थले सुट लिया, सुटद सारे उदो डिक्की चो कैश का झोला बाहर कढ के खिच के लै गए ने, रोंग साइड से सड़क पार करके भज गए ने। उत्थे पहला ही एक मुंडा होर मोटरसाइकिल खड़ा सीगा, वो फिर रोंग साइड से कैश लैके तो लुट खो करके भज गए। 82,000 रुपया कैश ही, 3 बजे का टाइम ही। महोबा में एक अज्ञात वृद्ध साधु का शव रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकता मिला। रेलवे कर्मियों ने शव को देखते ही इसकी सूचना जीआरपी थाना को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल ये साधु कौन था और कहां से आया, पुलिस इसकी जाँच में जुटी है। अब ये इसकी डेड बॉडी उतरवा ली गई है और इसको पंचायतनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरी बात कंफर्म हो पाएगी, रिपोर्ट आने के बाद भी इसकी पूरी बात बताई जाएगी।